श्री गणेशाय नमः। पुरुषोत्तम मास 25वां अध्याय। राजा दृढ़ धनवा कहने लगे, हे ब्राह्मण, हे मुनिवर, अब कृपा करके पुरुषोत्तम मास के व्रत के उद्यापन को विधि सहित बताइए। मुनि बोले, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में 14, नौमी, अष्टमी इन तिथियों में उद्यापन करना चाहिए। इस पुण्य पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल उठ करके प्रातःकाल की सब क्रिया करके जैसी सामग्री मिली उसी से 30 ब्राह्मणों को निमंत्रण दे। यदि शक्ति ना हो तो 5 या 7 ब्राह्मणों को न्योता दे। दोपहर में सुंदर मंडप बनावे। मंडप के ऊपर तांबे या मिट्टी के छिद्र रहित 4 कलश स्थापित करें। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान की प्रीति के लिए कलशों पर श्रेष्ठ नारियल रखें। उन कलशों पर वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न, उत्तम देव या अनिरुद्ध इन चारों को स्थापित करें। फिर वेदांग के जानने वाले आचार्य को बुलाकर उस मंडप के बीच में जिसमें 4 ब्राह्मणों को जप के लिए वर्ण करें, उन ब्राह्मणों को अंगूठी आदि से युक्त 2-2 वस्त्र देवें। बड़े आनंद से वस्त्र आभूषण संयुक्त आचार्य को भूषित करें। फिर शरीर की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें। फिर पूर्व कही हुई विधि से स्त्री सहित पूजा करें। वर्ण किए हुए ब्राह्मणों से 4 प्रकार का चतुर्व्यूह का जाप करावें। चारों तरफ 4 अखंड दीपक जलावें। फिर कर्म से नारियल आदि को अर्घ दान करें। अर्घ देने का के समय कहें, हे देव, हे पुराण के पुरुषोत्तम, हे हरे, आपको नमस्कार है। राधा सहित मेरे अर्घ को ग्रहण कीजिए। नवीन बादल के समान श्याम वर्ण, दोनों हाथों में मुरली लिए हुए, पीतांबर धारण किए हुए राधा सहित पुरुषोत्तम देव को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर राधा सहित श्री हरि को पुष्पांजलि देवे। फिर स्त्री सहित भगवान को साष्टांग नमस्कार करे। फिर ब्राह्मण को सुवर्ण सहित पूर्ण पात्र देवें। फिर आनंद से आचार्य को बहुत सी जज दक्षिणा दें। उसके पश्चात भक्ति से स्त्री सहित आचार्य को वस्त्र आभूषण से प्रसन्न करें। फिर ऋतविजों को उत्तम दक्षिणा दें। स्त्री पुरुषों के पहनने योग्य वस्त्र शंकर पार्वती के नाम से दें। 8 प्रकार का पद दान करें और जूते का जोड़ा दान करें। वैष्णव ब्राह्मण के लिए श्रीमद्भागवत पुस्तक का भी दान कर सकते हैं। चंचल आजू विचारता हुआ अपनी शक्ति के अनुसार ये सब दान करें, देर न करें। साक्षात अद्भुत भगवान के रूप श्रीमद्भागवत को जो विद्वान ब्राह्मण को देता है वो करोड़ों कुलों का उद्धार करता है। और अप्सरा गणों से सेवित विमान में बैठ करके योगियों को भी दुर्लभ गोलोक धाम में चला जाता है। इति पुरुषोत्तम मास महात्म 25वां अध्याय संपूर्ण। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।